नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। चलिए शुरू करते हैं। विद्युतकार यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है? औजारों को। प्रशिक्षणार्थी, कारीगर को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? औजारों के उपयोग एवं मेंटेनेंस संबंधित। इलेक्ट्रीशियन की टूल किट किस प्रकार की होती है? मोबाइल टूल किट। पेचकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पेंचों को कसने तथा खोलने के लिए। फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फेज की उपस्थिति तथा पहचान करने के लिए। फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? 500 वोल्ट तक। पोकर की टिप कैसी होती है? नुकीली। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार के कॉम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है? 20 सेंटीमीटर लंबाई एवं इंसुलेटेड दस्ते वाला। इलेक्ट्रीशियन चाकू में कितने ब्लेड होते हैं? 2 ब्लेड। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार का हथौड़ा उपयुक्त होता है? बॉल पिन हथौड़ा यानी बॉल पिन हैमर। रावल प्लग को ठोकने से पूर्व कुछ घंटे के लिए जल में भिंगोकर क्यों रखा जाता है? जिससे रावल प्लग का पेंच को सरलता से जकड़ा जा सके। चीजल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, कोल्ड एवं हॉट। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार का छेनी यानी चीजल आवश्यक होता है? फॉर्मर चीजल एवं कोल्ड फ्लैट चीजल। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार का फीता उपयुक्त होता है? 150 सेंटीमीटर लंबाई युक्त फ्लैक्सिबल स्टील टेप। हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है? इसकी चक की ड्रिल बिट के धारण करने की क्षमता पर। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किन में छिद्र करने के लिए कर सकते हैं? लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नर्म लोहे की चादर एवं पुर्जो इत्यादि में। इलेक्ट्रिक वायरिंग आदि में राइट एंगल की परख करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर का। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस आकार के स्पैनर्स उपयुक्त होते हैं? 3 mm से 25 mm जबड़े वाला डबल एंडेड स्पैनर्स। काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं रीमर का। इलेक्ट्रीशियन के लिए किस आकार का जिमलेट उपयुक्त होता है? 3, 6 तथा 10 mm व्यास युक्त जिमलेट। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किस में छिद्र करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायरिंग, लकड़ी अथवा मेटालिक वस्तुओं में। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए प्रयोग करते हैं चक की का। वायर गेज की परिधि पर किस नाप के खांचे कटे होते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लो लैंप का। इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग करते समय सही वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? साहुल यानी प्लम बॉब का। रेती यानी फाइल के दांते किसके द्वारा साफ करने चाहिए? वायर ब्रश के द्वारा। फेज टेस्टर को किस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? 500 वोल्ट से अधिक। स्नीप एवं कैंची से किन्हें नहीं काटना चाहिए? धात्विक चदरा एवं तार को। एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप रिंच एवं पाइप कटर के साथ किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? हथौड़ा का। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को किससे नहीं जोड़ना चाहिए? इलेक्ट्रिकल सोर्स से। यह देखने में पेचकस जैसा होता है परंतु यह पेचकस नहीं है। इसके हैंडल पर एक नियोन लैंप लगा रहता है। इसका कथन में किस औजार की विशेषता बताई गई है? फेस टेस्टर की। इसका उपयोग एल्युमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ों को ऐंठने के लिए किया जाता है।
इस कथन में किस औजार का वर्णन किया गया है? छेनी यानी चीजल का। यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है और इसे गुनिया भी कहते हैं। कथन में किस औजार के विषय में बताया गया है? ट्राई स्क्वायर के बारे में। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इस कथन में किस औजार की विशेषता बताई गई है? रैचिट ब्रेस। यह लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। दिए गए कथन में किस औजार के विषय में बताया गया है? मैलेट। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।